हैप्पी दिवाली दोस्तों, गुड इवनिंग। और ये दिवाली इवनिंग है और घर देखिए कितना जगमगा रहा है। दिवाली मॉर्निंग का जो व्लॉग है वो कल चला गया था, नहीं देखे हैं तो आई बटन में लिंक है, चेक कर लीजिए। और ये बाहर का लाइट्स लग चुकी है मेरे घर में, और ये है रोड साइड बाहर जहाँ पे काली पूजा होते हैं, तो बस वहाँ पे लाइट्स लगे हुए हैं। एक्चुअली मैं दिखा रही हूँ, रुकी आप लोगों को, कितना सुंदर लग रहा है, इतना सारा लाइट्स लगा हुआ था। तो बस अभी थोड़ी सी चाय पी रही हूँ मैं। दिवाली पूजा अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, गुड थोड़ी सी। इवनिंग एवरीवन, मैं रेडी हो गई हूँ दिवाली का। दिस इज माय दिवाली आउटफिट, दिस इज द सूट। मैं सूट पहनी हूँ आज रेड कलर की, और कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए दिवाली पूजा अभी स्टार्ट करनी है। अभी तक मैंने दिवाली पूजा हम लोगों ने स्टार्ट नहीं की है क्योंकि बहुत ही लेट हो रहा है। होता है ना कि दिवाली का सारा काम समेटते समेटते इतनी ज़्यादा लेट हो गई। मैं यहाँ पे स्वास्तिक बनाई पूरे घर में, फिर जो आलता पत्ता लगाया जाता है, मैं दिखा रही हूँ, ये स्वास्तिक बनाई मैं, ये आलता पत्ता बोला जाता है, ये लगाया जाता है पूरे घर में। तो ये सारे काम निपटाते हुए बहुत टाइम लग गया, और हस्बैंड भी रेडी हो गए। हेलो हेलो, थोड़ा सा मुंह दिखा दीजिए। हेलो, हैप्पी दिवाली तो बोल दीजिए। हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू गाइस। सो जी, चलो यहाँ पे लाइट्स बड़ा कम लग रहा है। हाँ, अब ठीक है, तो चलो दिवाली पूजा का स्टार्ट करते हैं। और दिवाली पूजा करते हैं हस्बैंड, तो वो सबसे पहले माला चढ़ा रहे भगवान जी। मंदिर में जितने सारे भगवान जी है सबको माला चढ़ा रहे, गुरु भगवान का माला चढ़ गया। और अभी मैं बैठी हूँ पूजा का तैयारी करने, यहाँ पे पूजा का तैयारी कर रही हूँ। मैं तैयारी कर दूँ लेकिन पूजा करेंगे तो हस्बैंड ही, क्योंकि यही रूल्स है, जब से मेरा शादी हुआ है तब से हस्बैंड ही पूजा करते हैं। मैं सिर्फ तैयारी कर देती हूँ पूजा का, जितना सारा तैयारी होते हैं, तो बस वही मैं यहाँ पे बैठ बैठ के कर रही हूँ। सारा नया वाला कपड़ा निकाल रही हूँ यहाँ पे, और हस्बैंड मुझे नहीं पता था इतना सुंदर सा एक मतलब बिछाने वाला जो कपड़े होते हैं ना, जिसमें भगवान जी को बैठाया जाता है, इतना सुंदर लाए ना। मैं मुझे इतना दिल एकदम खुश हो गया, मुझे पता नहीं था, एकदम सरप्राइज मिल गया मुझे। तो देखिए आप लोगों को कैसा लग रहा है तो मुझे भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। फाइनली यहाँ पे भगवान जी ओपन करने की बारी है, तो ये रहे हम लोगों की भगवान जी। और मैं आगे से ही दिखा दे रही हूँ, कोई सस्पेंस नहीं, कुछ ही नहीं, सिंपल सा मैं व्लॉग बनाती हूँ। एक्चुअली जो भी होता है मेरे घर में वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि आप लोग भी तो फैमिली हो ना, तो पूजा में आप लोगों के साथ शामिल नहीं होंगी तो किसके साथ होंगी। तो फिलहाल यहाँ पे लक्ष्मी जी गणेश जी को बैठाया जाएगा जगह पे। अच्छा, ये मैं नहीं करती हूँ, हर साल हस्बैंड करते हैं, वो बैठाते हैं और पूजा भी वही करते हैं, हम सिर्फ तैयारी कर देते हैं। ये शुरू से होते हुए आ रहे इतने सालों से, तो बस वही चीज़ें चली आ रही है। तो मैं इनको भी साइड में बैठा लिए क्योंकि उसको भी ये सब चीज़ें सीखना है, उसको भी परंपरा को आगे बढ़ानी है, तो बस उसको ये सब देख देख के जब वो सीखेगा वो भी ये चीज़ करेगा। और अभी बड़ा हो रहा है, एक्चुअली 5 ईयर्स के ऊपर बच्चे हो जाने से ना उसको हर पूजा पाठ में, तब वो बच्चा नहीं रहता है, कुछ दिन बाद टीन एज में चला जाएगा, कुछ साल बाद ही। और इसमें उसको सारे पूजा पाठ्स में, एक्चुअली 6-7 साल के बाद से ही सारे पूजा पाठ्स में ना बच्चे लोग को ना इन्वॉल्व करना चाहिए। तो बस इसीलिए उसको वो बैठ बैठ के देख रहा था कि पापा कैसे कर रहे हैं, मम्मी कैसे तैयारी कर रही है। और ये हमारी पूजा की तैयारी हो चुकी है, पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। भगवान, अभी पूजा का सारा तैयारी हो चुका है और अभी हम लोग बैठ रहे पूजा करने, हस्बैंड बैठ गए पूजा करने, तो बस अभी इस पूजा में बैठे हैं हम लोग। चलिए जी, पूजा स्टार्ट करने की बारी आ गई है, और यहाँ पे हस्बैंड बहुत शिद्दत से, बहुत ही चाव से पूजा करते हैं, बहुत मतलब रूल्स रेगुलेशन रिचुअल सारे सब चीज़ मान के वो पूजा करते हैं। और ये देखिए, ये पीछे से देख रहा है क्योंकि इसको सामने से दिखाई नहीं पड़ रहा है और इसको देखना है, तो ये पीछे से देख रहा है। और यहाँ साइड में मैं बैठी थी, और मैं कैसी लगी मुझे बताइएगा। फिलहाल यहाँ पे घी का दिया जलता है भगवान जी के सामने, तो सारे दिया हस्बैंड जलाते हैं। मैं तैयारी कर देती हूँ दिया का, और सारे दियों का तैयारी भी मैं कर दी थी, सारे प्रसाद का तैयारी कर दी थी, सारे सब चीज़ का तैयारी हो गया।
अब पूजा करनी है, सिर्फ दिया को बार के, एक्चुअली हम लोग दिया जलाना नहीं बोलते, दिया बारना बोलते हैं, दिया बार के बस पूजा करेंगे। हस्बैंड पहले धूप काठी दिखाएंगे और उसके बाद धूप से पूजा करने के बाद कथा सुनेंगे हम लोग। तो हस्बैंड पूजा स्टार्ट कर चुके हैं, यहाँ पे धूप दिखा रहे भगवान को। एक बार धूप नहीं दिखाने से आप फिर टीका नहीं कर पाओगे, तो बस धूप दिखाने के बाद टीका किए हस्बैंड, और उसके बाद और कथा के बाद हम लोग करेंगे आरती। मुसे की सवारी बंधन को आंख देते कोड़ी को काया। और पीछे इतना आवाज़ हो रही थी ना, माइकिंग हो रहा था, तो इसलिए मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं पूरा आरती करूँगी भगवान जी का, और उसके बाद मयंक ने आरती किया और हस्बैंड भी किए, और वो रील्स में आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पे प्रसाद दे रही हूँ और ये रही मेरी लुक, कैसा लग रहा है दिवाली लुक। बस यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग फ़ोटो वोटो सेशन किए हम दोनों मिलके, फिर मयंक को लेके भी हम लोग फ़ोटो सेशन किए यहाँ पे। दिवाली फ़ोटोज़ में सारे फोटोज तो आ ही गए होंगे, आप लोग तो देख ही लिए होंगे। तो बस उसके बाद बारी आती है दिया लगाने की, सबसे बड़ी खुशी होती है ना। तो चलिए अब पूरे घर में मैं दिया लगा देती हूँ, और आप लोगों को पता ही चल रहा है कि मैं ही दिया लगा रही हूँ पूरे घर में। तो सीढ़ियों पे दिया लगाऊंगी, एक बार पूरा घर में दिया लग जाए ना जी, और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी घर कैसा लग रहा है और मैं कैसी लग रही हूँ, वो प्लीज़ मुझे बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में। और वीडियो कुछ भी अच्छा लगे ना और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब भी करके साथ में रहिएगा, YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। और उसके बाद में अभी हम लोग दोनों जन पी रहे चाय, बस चाय पी रहे, हालत पूरी खराब हो रही है, चाय पी रहे थोड़ा सा। और मैं घर दिखा दूं, मेरा घर बहुत सुंदर से आज मैं सजाई हूँ, तो बस सब कुछ मिलके सजाया है और हालत थोड़ी सी खराब बिगड़ रहा है गाइस। और ये मेरा ना मतलब सूट है, सूट दुपट्टा से ना पता नहीं चल रहा था, तो ये सूट है मेरा रेड कलर का, कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए गाइस। एंड हैप्पी दिवाली वंस अगेन, मैं घर एक बार दिखा दूँ आप लोगों का कितना सुंदर लग रहा है, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है घर। तो जी अभी तो पूजा वूजा हो गया है, और अभी इसके बाद हम लोग थोड़ी सी रेस्ट वेस्ट करेंगे, बातें वातें करेंगे, डिनर करेंगे, और क्या कल सुबह जानी है मंदिर। तो आज वाली व्लॉग मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ, व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगे कुछ भी पसंद आए सो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब विच इज फॉर मी व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। मैं कल मिलती हूँ एक फ्रेश ब्लॉग में किसी नई रेसिपी के साथ, बाय बाय।